स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई? ए अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 370, डी अनुच्छेद 377। आंसर ए अनुच्छेद 343। एक्सप्लेनेशन। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत आधिकारिक तौर पर हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी। इसी उपलक्ष्य में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और पूरे भारत में व्यापक रूप से बोली जाती है। अगला प्रश्न। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर को कौन सा नया नाम दिया गया है? ए फ्रीडम आइलैंड, बी श्री विजयापुरम, सी नेताजीपुरम, डी चोलनगर। आंसर बी श्री विजयापुरम। एक्सप्लेनेशन। सरकार ने 13 सितंबर 2024 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयापुरम करने का निर्णय लिया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश नौसैनिक अधिकारी कैप्टन आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया था। पोर्ट ब्लेयर को उस द्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न। उस भारतीय लाइट टैंक का क्या नाम है जिसने सितंबर 2024 में प्रारंभिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया? ए विक्रांत, बी अर्जुन, सी जोरावर, डी भीष्म। आंसर सी जोरावर। एक्सप्लेनेशन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारतीय लाइट माउंटेन टैंक जोरावर का प्रारंभिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस 25 टन के एयर ट्रांसपोर्टेबल टैंक को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी ये खूबी चीन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। भारतीय सेना 350 जोरावर टैंकों को तैनात करने की योजना बना रही। अगला प्रश्न। सीताराम येचुरी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? ए कृषि विज्ञान, बी पत्रकारिता, सी चिकित्सा, डी राजनीति। आंसर डी राजनीति। एक्सप्लेनेशन। वरिष्ठ माकपा नेता सीताराम येचुरी का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सीताराम येचुरी ने लगभग 50 साल पहले छात्र नेता के रूप में CPM में अपनी यात्रा शुरू की थी। वे 2005 से 2015 तक पार्टी के महासचिव रहे और 3 लगातार कार्यकालों तक इस पद को संभाला। येचुरी ने साल 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA सरकार के लिए भी गठबंधन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न। सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन PM मोदी ने किस राज्य में किया? ए हरियाणा, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। आंसर डी उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन। PM मोदी ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को समर्पित है। इन्वेस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार, जिसका मूल्य वर्तमान में लगभग $23.2 बिलियन है, जिसके साल 2028 तक $80.3 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।